बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सिलेबस में शामिल एक स्टोरी द फॉल्स जेम्स बाय गाय डी मॉपसन का आउटलाइन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको इसकी समरी और आउटलाइन देने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और थीम और बाकी चीज़ें कवर करेंगे। द फॉल्स जेम्स बाय गाय डी मॉपसन। मॉपसन वॉज बॉर्न इन 1850 इन फ्रांस एंड डाइड इन 1893। दिस स्टोरी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1883। फ्यू राइटर्स हैव अचीव्ड मोर देन गाय डी मॉपसन हु डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 42। उनकी जस्ट 42 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई थी। मॉपसन पब्लिश्ड मोर देन 300 शॉर्ट स्टोरीज, ईच सो फाइनली क्राफ्टेड दैट ही इज़ रिनोन्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर्स इन एनी लैंग्वेज। एन एथलेटिक एंड एनर्जेटिक पर्सन, द ऑथर लव्ड द स्पोर्ट ऑफ रोइंग। मॉपसन ऑल्सो हैड एन एक्टिव सोशल लाइफ इन पैरिस where he worked as a government clerk as well as a writer. ये इनके क्लर्क के तौर पर काम करता था और एक राइटर भी था। His stories reflect his views about the world. In fact, one French critic has claimed that it is impossible to fully comprehend the France of 1850 to 90 without these stories. इनके मॉपसन की स्टोरीज के बारे में फ्रेंच क्रिटिक ने क्या कहा है कि मॉपसन की स्टोरीज़ को पढ़े बगैर आप 1850 से लेकर 90 तक का जो फ्रांस है उसके बारे में नहीं समझ सकते अगर आप मॉपसन की स्टोरीज़ की रीडिंग नहीं करते। द फॉल्स जेम्स इट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल द सेटिंग ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन पेरिस फ्रांस ड्यूरिंग द लेट 1800s। First of all, we will see the characters. There are two main characters in this story. First character is Mayor Lantern, the main hero or the protagonist, and his wife, who was remained nameless but called as Madame Lantern in the story. इनके first main character किस Lantern के और second उसकी wife है, लेकिन उसका नाम जो है वो Madame Lantern ही use किया गया है पूरी story में। ओनसर लैंटन जो मेन करेक्टर है, ही इज़ द चीफ क्लर्क एट द ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर। इंजॉयड लिटल सैलरी ऑफ 3,500 फ्रेंक्स। वी थिंक ही इज सर्चिंग फॉर लव बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी इट says he had fallen in love with the woman she met at the reception and after her love died he gets remarried again। इनके हम देखते हैं कि वो अपने लिए कोई अच्छी बीवी की तलाश में है और आखिरकार वो एक रिसेप्शन पे एक लड़की उसको खातून जो है वो पसंद आ जाती है और वो उससे ही फॉल्स इन लव विद हर एंड व्हेन शी डाइड ही गेट्स री मैरिड। यानी कि जब उसकी डेथ के बाद फिर वो दोबारा दूसरी शादी करता है। और सेकेंड करेक्टर इसमें है मैडम लैंटन का। वी डोंट नो हर नेम बट द स्टोरी श्योर मैंशंस अ लॉट अबाउट हर। शी वॉज द डॉटर ऑफ अ प्रोवेंशियल टैक्स कलेक्टर हु हैड बीन डेड सेवरल ईयर्स। शी हैड हर मदर She and her mother came to live in Paris, where the latter, who made the acquaintances of some of the families in the neighborhood, hoped to find a husband for her daughter. इनकी उसकी मदर जो है उसकी विश क्या होती है कि उसके बेटी के लिए कोई अच्छा हस्बैंड जो है मिल जाए। They had very moderate means and were honorable, gentle and quiet. The young girl was a perfect type of the virtuous woman. अब हम देखते हैं कि वो जो यंग गर्ल है किस टाइप की। शी इज़ अ परफेक्ट टाइप ऑफ वर्चुअस वेमन।
in whose hands every sensible young man dreams of one day entrusting his happiness. यानी कि कोई भी यंग मैन जो है वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करता है. हर सिंपल ब्यूटी हैड द चार्म ऑफ एंजेलिक मोडेस्टी एंड द इम्परसेप्टिबल स्माइल विच कॉन्स्टेंटली होवर्ड अबाउट द लिप्स सीम टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्योर एंड लवली सोल. Her praises resounded on every side. People never tired of repeating. जिनके लोग अक्सर उसके बारे में कहते रहते हैं कि happy the man who wins her love, he could not find a better wife. Plot of the story. The plot very briefly is that of a man marrying and living a very happy life. Later, after the death of the wife, discovering she had committed adultery. क्योंकि इसमें आदमी जो है उसकी शादी जो हो जाती है उस लड़की से, लेकिन आप देखेंगे कि वो लड़की जो है वो जो इतनी ब्यूटीफुल, जो इतनी वर्चुअस और जो इतनी पाइस है, एट द एंड आफ्टर हर डेथ she proves strong. And the main character, the hero जो है story का, वो he finds himself cheated by the women. इसकी summary मैं आपको पेश करूँगी कि Lantern meets a young girl at a reception and falls in love. He marries her. She charms him and runs his household so well that they live as if they are wealthy. क्योंकि अगरचे वो उस जो लैंटन है उसकी जॉब भी एक क्लर्क की है और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो दोनों मिलकर एक अच्छी तरह से एक वो उसके अच्छी लाइफ गुजारते हैं जैसे दे आर वेरी वेल्दी. द टू थिंग्स ही डजेंट लाइक आर द फैक्ट that he likes the theater and wears what he believes to be the fake jewelry. अब दो चीज़ें हैं उस औरत के बारे में जो उसको पसंद नहीं है लैंटन को. उसकी दो हैबिट्स थी उस फीमेल खातून की, और एक कहती हैं कि शी लाइक्स द थिएटर, कि वो थिएटर में जाना पसंद करती थी, और सेकेंडली क्या था कि वो फेक ज्वेलरी जो थी वो पहनती थी. When she dies, he grieves and he also cannot forgive out how she kept them living so well on his salary. जो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत दुखी होता है, और उसे समझ नहीं आती कि किस तरह से वो इतनी कम सैलरी में इतना अच्छा घर चला रही थी. He finds himself destitute, वो और ज़्यादा परेशान होता है, एंड नीड्स मनी, और वो गुर्बत का शिकार हो जाता है, उसको रकम की ज़रूरत होती है. ही डिसाइड्स टू ट्राई एंड सेल हर फॉल्स ज्वेलरी ओनली टू फाइंड दैट इट इज़ वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी. आखिरकार जब उसके पास गुर्बत में रहना मुश्किल हो जाता है तो वो उसकी फॉल्स ज्वेलरी जो है वो सेल करने का सोचता है, लेकिन जब वो फिर ज्वेलरी सेल करने जाता है तो उसको वो ज्वेलरी ओनली टू फाइंड दैट इट इज़ वर्थ और अ ग्रेट डील ऑफ मनी. वहाँ जाके उसको पता चलता है शॉप पे कि ये तो बहुत कीमती है. इट वॉज नॉट फॉल्स, इट वॉज नॉट फेक, इट इज़ वर्थ सो मच दैट ही कैन क्विट हिज जॉब एंड स्टिल लिव वेल. अब वो उसको अंदाज़ा होता है कि वो इतनी कॉस्टली ज्वेलरी है कि वो अपनी इवन उसकी जॉब उसके आगे कुछ नहीं है, जॉब छोड़ सकता है. ही डज नॉट वॉन्ट टू थिंक अबाउट वेयर शी गॉट द मनी. फिर उसको एहसास होता है और वो ये सोचना नहीं चाहता कि वो उसकी बीवी के पास रकम जो है वो कहाँ से आई थी फॉर हर ज्वेलरी. वंस ही इज रिच एंड क्विट्स हिज जॉब ही इवेंचुअली रिमार्क्स बट दिस वुमन मेक्स हिज लाइफ मिजरेबल. द स्टोरी एम्फसाइजेस दैट लुक्स कैन बी डिसीविंग and that sometimes we are blind to what really going on. के बाज़ औक़ात जो ज़ाहिर हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. वी कैन क्वेश्चन इफ बींग हैप्पी बाई डिसऑनेस्ट वैल्यूज़
is worth the financial gains or if the unhappiness from honest values is worth the pain. Message of the story. At the end of the story, Monsieur Layton sold his wife's jewelry to get some money. उनके आखिरी में जब वो रकम हासिल करने के लिए उसकी ज्वेलरी सेल कर देता है, ही टर्न्स आउट दोज जेम्स वर रियल विच लीड्स टू ओनली वन आइडिया दे वर बोथ पुअर सो हाउ कम शी हैड दीज एक्सपेंसिव गन्स. At the end of the story, Monsieur Layton sold his wife's jewelry to get some money. Turns out those gems were real, which leads to only one idea. They were both poor. So, how come she had these expensive gems? अब उसे यकीन नहीं आता कि वो किस तरह से उसके पास से इतने कीमती पत्थर जो थे वो कहाँ से हासिल किए. द ओनली आंसर वॉज दैट हिज बिलवड वाइफ वॉज हैविंग एन अफेयर विद अनदर मैन. और आखिर में उसे ये इस बात का यकीन होता है कि उसकी वाइफ जो थी ही वॉज नॉट सिंसियर विद हिम. द फॉल्स जेम्स मॉपसन यूजेस द थीम ऑफ द स्टोरी टू शो अस दैट इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग. By using the ironies in the story, he gives a cynical statement of the superiority of false happiness versus real unhappiness. This story also conveys us the message that appearances versus reality, and then money cannot buy happiness. It is in the story when Lenton is in his happiest state, when he does not know the jewelry is real and in love with his wife, then when he receives the money from the jeweler, he is miserable. इनकी जब वो अब एक कम आमदनी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है उस वक्त उसकी लाइफ जो है वो हैप्पी होती है. ही इज़ लिविंग विद हिज वाइफ हैप्पीली. And when he receives the money from the jeweler, he is miserable. And then there is another message: what you don't know won't hurt you. कि जिस चीज़ का अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो वो आपको उतनी देर आप उससे हर्ट नहीं होते. It is also evident when Lenton is much more miserable when he actually knows how his wife had cheated him and how she deceived the gems that he for so long thought was false. Okay, that's all, and tomorrow in the next lecture we will discuss the short questions from this story. Thanks.